हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया एजेंडा लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है और बहुत सारे लोग आजकल परेशान भी चले हैं जिनकी फेलोशिप नहीं आ रही है, रुकी हुई है काफ़ी दिनों से, ये देखने को मिल रहा है बहुत सारे ग्रुप्स में जो फेलोशिप से रिलेटेड हैं, नेट जीआरएफ से रिलेटेड हैं, रिसर्च स्कॉलर से रिलेटेड ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। वहाँ पे लोग रेगुलरली क्वायरी जनरेट कर रहे हैं कि उनकी फेलोशिप जो है वो अक्टूबर मंथ की जनरेट तो हो गई है, वो पीएफएमएस जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम उस पर पोर्टल जो है उस पर अपडेट नहीं हुआ है कुछ भी स्टेटस, ना तो पेंडिंग विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बता रहा है, ना तो पेंडिंग विद बैंक बता रहा है फॉर पेमेंट। तो इस तरह की बहुत सारी क्वायरीज मुझे मिली और काफ़ी लोगों ने मेरे साथ डिस्कस भी किया, तो सोचा उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो बनाऊं और ताकि आप लोगों को मालूम हो कि क्यों नहीं हमारा फेलोशिप जो है आ रहा है, या आ जाएगा तो कब तक आ जाएगा, अंडर प्रोसेस है तो कहां तक प्रोसेस है। देखिए, आपको मालूम होगा पिछले दिन ही भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि यूजीसी ने अप्रैल महीने में एक रेगुलेशन जारी किया था, एक नोटिस जारी किया था, उसमें बताया था कि 30 सितंबर तक जो कि फेलोशिप है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होंगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी और ऑटोमेटिकली जो है वो पीएफएमएस के थ्रू जो है वो डिसबर्स होंगी। और उसके बाद का कुछ पता नहीं था कि ऑटोमेटिकली अप्रूव होंगी या नहीं होंगी, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लोगों ने ये सोचा कि हमारी अगली जो अक्टूबर महीने की फेलोशिप है वो भी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की फेलोशिप जो है, चाहे वो NFSC हो, चाहे वो NFST हो, चाहे JRF हो, चाहे MANF हो या दूसरी कोई फेलोशिप है, वो जनरेट तो हो गई आपके कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल है जो, उस पर आपकी फेलोशिप बहुत सारे लोगों की जनरेटेड दिखा रहा होगा, तो वो वहाँ तो जनरेट हो गई लेकिन अभी तक उसका PFMS में जो है कोई भी स्टेटस नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे दो मैकेनिज्म आते हैं, दो एजेंसीज हैं जो काम करती है। जो कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल है वहाँ पे UGC जो है रोल प्ले करता है, वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने किसकी जनरेट करनी है किसकी नहीं करनी है। इसके बाद वो फंड जो है UGC अलॉट करता है PFMS को और PFMS आगे कैनरा बैंक को फंड देता है और फिर उसके बाद जो है रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में जो भी कैंडिडेट का होगा उसमें फंड जो है वो आता है। अब यहाँ पे जनरेट होने में और फंड ट्रांसफर होने में काफी बीच का टाइम होता है और ये अप्रूवल बेस्ड होता है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि कैनरा बैंक पे तो जनरेट कर दी गई लेकिन PFMS के लिए फंड अलॉट नहीं हुआ, और जब तक PFMS के पास कोई अपडेट नहीं होगा तब तक PFMS भी अपनी मर्जी से कोई अपडेट नहीं बता सकता। अब जनरेशन तो कर दिया गया फेलोशिप का लेकिन डिसबर्समेंट नहीं हो पाएगा, और डिसबर्समेंट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक उनको मालूम ही नहीं था कि वो ऑटोमेटिकली डिसबर्स करनी है इस महीने की कि नहीं करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन एम्प्लॉयज के पास ये था जो UGC के एम्प्लॉयज हैं कि क्या फर्दर डिसबर्समेंट के लिए पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि अभी बैठक हुई 22 अक्टूबर को, आपको ध्यान होगा और पिछले कल भी मैंने वीडियो डाला, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि 31 मार्च 2021 तक जो है सारी फेलोशिप जो है, जिसमें एनेक्जर भी अटैच किया गया, उसमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप और वेरियस स्कीम्स के नाम लिखे हैं, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव भी होंगी, जनरेट भी होंगी और मतलब उनका कंटिन्यूएशन जो है, जो हमें अपनी फेलोशिप लेने के लिए कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था उसको देने की जरूरत नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली जो है अप्रूव होके जनरेट होके डिसबर्स होंगी, मतलब उनकी कंटिन्यूएशन ऑटोमेटिक होगी, उसमें कैंडिडेट को कोई रोल प्ले नहीं करना होगा। तो इस तरह से अब ये क्लैरिटी हो गई है UGC को भी और बाकी जो एजेंसीज हैं उनको भी कि 31 मार्च 2021 तक, जब तक कोई और नोटिस नहीं आता तब तक इस नोटिस को का हवाला लेते हुए फेलोशिप कंटिन्यूटी में रहेगी और ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और डिसबर्स भी होगी। तो आशा ये है कि अब PFMS पे भी स्टेटस जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की जनरेट हो चुकी है कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल पे उनकी फेलोशिप अब UGC जो है वो रिलीज कर देगा और PFMS के पास जो है वो डिसबर्समेंट के लिए दे देगा, और फर्दर आगे प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा, PFMS कैनरा बैंक को देगा, कैनरा बैंक फर्दर बाकी जिस बैंक का अकाउंट है कैंडिडेट का वहां पे डिसबर्समेंट दे देगा। तो इस प्रोसेस में मेरा अनुमान ये है कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन जो है वो अब लगेंगे और 10 दिन के भीतर जो है वो स्टूडेंट्स की फेलोशिप जो है वो अकाउंट में आ जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल।